सतना में युवती पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। घायल युवती रीवा रेखा। गिरफ्तार में मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबर तार। सतना अमर पाटन रोड पर भटनवारा के पास युवती को चाकू मारकर उस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह युवती से प्यार तो करता था लेकिन डरता भी था कि कहीं वह उसे फंसा न, लिहाजा उसने युवती की से पहचान अपना नाम बदल कर बताई। यह खुलासा पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद चाकूबाजी के आरोपी ने खुद ही किया। उधर घायल युवती को रीवा रेफर कर दिया गया है। TI उजहरा DR शर्मा ने बताया कि आरोपी और युवती एक दूसरे को पिछले कुछ महीनों से जानते थे। आरोपी ऑटो चलाता था जबकि युवती सिंधी कैब में डिस्पोजल फैक्ट्री में काम करती थी। रोज शाम को आरोपी युवती को उसके घर छोड़ता था। वह युवती से मोहब्बत भी करने लगा। शुक्रवार की वह शाम वह युवती को मिला और उसे उजहरा चलाने के लिए बोला। युवती उसके साथ चल पड़ी लेकिन जब वह ऑटो को उजहरा के बजाय अमर पाटन रोड पर ले गया तो युवती ने आपत्ति जताई। इसी पर दोनों में बहस हुई और आरोपी ने चाकू से युवती पर हमला कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने युवती को अपना नाम अनुराग बुनकर निवासी झाली इसलिए बताया था कहीं कभी युवती उसे किसी मामले में फंसा भी दे तो पुलिस अनुराग को तलाशती रहे और वह बच जाए। शुक्रवार की रात वह उसे भटनवार अपने घर ले जा रहा था लेकिन पुलिया के पास से ही बहस के बाद घटना हो गई। पुलिस ने आरोपी अनुराग बुनकर उर्फ करण खटिक उर्फ बड़कू निवासी भटनवारा को गिरफ्तार कर चाकू और ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया। उसे अदालत में पेश कर धारा 307 के तहत जेल भेज दिया गया। उधर गंभीर रूप से घायल युवती को संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल रीवा रेफर कर दिया गया।